शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। ये तो बहुत थोड़ी सी हल्दी है। हल्दी थैंक यू। हम जानते हैं कि तुम्हारे मन में भी 100 सवाल चल रहे हैं कि हम ऐसे अकेले शिवांश को ढूंढने क्यों निकल पड़े आधी रात को। लेकिन रोहन, श्रवणी तुम हमें भी उठा सकती थी, आधी रात को अकेले जाने की क्या जरूरत थी। रोहन सच मानो हम तुम्हारी बहुत इज्जत करते, इतनी इज्जत करते कि जितना तुम कभी सोच भी नहीं सकते। कल शिवांश घर नहीं आए तो हम मन मार कर लेट भी गए थे, हमें घबराहट हो रही थी, हमारा जी घबरा रहा था और फिर अचानक से हमारी नींद खुल गई। जब हमारी नींद खुली ना रोहन, हमारी नींद खुली तो मशरू भैया का फोन आया रोहन, और मशरू भैया ने कहा कि शिवांश मुश्किल में है। सच मानो तो ऐसा लगा किसी ने हमारे दिल पर हथौड़ा मार दिया। हम बिना कुछ सोचे समझे बस निकल पड़े। बस एक वहम हुआ और तुमने आव देखा ना ताव, और आधी रात को उठकर यूं चली गई। श्रवणी अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो, श्रवणी तुम माँ बनने वाली हो, कम से कम अपने बच्चे के बारे में सोच लिया होता। फॉर गॉड सेक यू आर अ साइंस स्टूडेंट। वहम नहीं रोहन, ये कोई वहम नहीं था। तुमने देखा नहीं शिवांश की क्या हालत थी। हमने हमने जो महसूस किया वो गलत नहीं था, और हर बात साइंस के लॉजिक के समझ में नहीं आती है, और खास करके वो जो तड़प हम शिवांश के लिए महसूस करते हैं। कुछ है जो हर एहसास से ऊपर है। कितनी भी कोशिश कर ले, कोशिश ये है तुम्हारी कोशिश, लग नहीं रहा है। हालत देखो अपनी शरीर, तुम कैसे इंसान के लिए आधी रात को ये लेप बना रही हो जबकि उसका पूरा परिवार बाहर है, उसकी माँ, उसकी दादी, उसकी पत्नी, और लेप तुम बना रही हो। वो लोग डॉक्टर नहीं बनने वाले हैं, हम बनने वाले हैं रोहन। वो लोग मेडिकल की पढ़ाई नहीं कर रहे, हम दोनों डॉक्टर बनने वाले हैं, और ये हमारा फर्ज है। वसुधा जी अम्मा, उसे क्या हुआ शिवू को? हमें कुछ पता नहीं, क्या हो गया है शिवांश को? कितने जख्म थे। मम्मी इतनी बुरी हालत कैसे हो गई? हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो हम लेप बना कर लाए शिवांश को लगाने के लिए, उन्हें बेहतर लगेगा। सो रहा है वो, सोने दो, सुबह तक नशा उतर जाएगा, फिर लगाना ये लेप वेप। लेकिन ताई जी, अगर हमने अभी उनको लेप नहीं लगाया तो उनका जख्म पक सकता है और दर्द भी बढ़ जाएगा उनको।
दिख नहीं रहा है कितनी मुश्किल से सोया है। अब ये लेप रहने दो, जाओ तुम यहाँ से। स्वीटी, हम डॉक्टर बनने वाले, तुमने उसकी हालत नहीं देखी थी, समझो हमारी बात को, ये लेप लगाना जरूरी है वरना इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल सकता है। रुको, ऐसी बात है तो ठीक है, लाओ शिवांश को लेप हम लगा देते हैं। और दीदी एक बात कहे, बुरा मत मानना, जब तक तुम्हारी परछाई शिवांश पर पड़ेगी ना, तब तक शिवांश ठीक नहीं हो सकता। तो बेहतर ये होगा कि तुम यहां से चली जाओ। क्या हुआ, खड़ी खड़ी मुंह क्यों देख रही, जाओ यहां से, हमने कहा ना। मम्मी, मम्मी इतनी चोट, इतने जख्म कैसे हुए? देखिए ना, ऐसे लग रहा है कि किसी ने बहुत मारा है। मम्मी हमको ना देख के बहुत चक्कर आ रहे हैं। हमसे कब पूछ रहे हो, हम साथ थोड़े थे, लेप लगा चुपचाप। हाँ लगा तो रहे ना। मम्मी हमको तो चक्कर आ रहा है, थोड़ी देर बाद लगा दे क्या? स्वीटी तुम, स्वीटी हम लगा दे, हम डॉक्टर बनने वाले, हमें पता है कैसे लगा रहे। लगाने दे स्वीटी, डॉक्टर भाव से ही लगा रही हो ना। ठीक है लगाओ। देखो मम्मी, अब कैसे आराम से लेप लगाने दे रहा है, अब इसे दर्द नहीं हो रहा है, और जब हम लगा रहे थे तब आ ओ ऐसे कर रहा था। तुम भी तो ओ कर रही थी। गुस्सा अगर किसी बात का था भी तो हम पर उतारते, जैसे हर बार उतारते, खुद को सजा क्यों दी? तुमने क्या कर डाला श्रवणी, क्यों किया ये, क्यों किया श्रवणी, ऐसा क्यों किया? चलो निकलो, जाओ रूम से निकलो। शिवांश की देखभाल हम कर लेंगे।
तड़प नहीं रहा है वो तुम्हारे लिए, कोस रहा है तुम्हें नींद में। लगा लिया ना लेप, अब जाओ स्वीटी देख ले के आगे। बाकी हम देख लेंगे। क्या हुआ, खड़ी क्यों हो, जाओ। मम्मी हमसे तो लगाया नहीं जा रहा है। ठीक से लगाओ, कहे कि फिर बुलाए क्या श्रवणी को लगाने के लिए? नहीं नहीं नहीं, हम लगा रहे, हम लगा रहे। अम्मा जी चाय पी लीजिए, हमारा मन नहीं है। पहले शिमू का हाल पता चल जाए फिर कुछ खाएंगे पिएंगे। थोड़ी सी चाय पी लीजिए, आपने बहुत देर से कुछ खाया पिया नहीं है। नहीं वसुधा, नहीं चाहिए, मना किया ना। श्रवणी दुल्हन, श्रवणी शिबू ने कुछ बताया? नहीं माँ, वो भी सो रहे। इतनी ज्यादा शराब पी रखी थी, कोई बात नहीं हो पाई। बहुत मुश्किल से हल्दी का लेप लगाए हम। आखिर शिबू ने ऐसा क्यों किया, तुम्हें कुछ तो पता होगा। हाँ अम्मा, हमें लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद उन्हें लगा कि घर का बाकी हिस्सा भी वो छुड़ा पाएंगे, लेकिन पहले कदम पर ही इतना बड़ा धोखा, का इतना नुकसान हो गया। और नुकसान हुआ का, पैसे तो हमने लौटा दिए थे। शिवांश चाहे तो उन पैसों से दोबारा बिजनेस शुरू कर सकता है। लौटा तो दिया था तुमने रोहन, लेकिन बिजनेस में झटका तो मिला ही है ना, धोखा तो हुआ है ना। ऐसे में अच्छे से अच्छे इंसान का हौसला टूट जाता है, आत्मविश्वास डगमगा जाता है। उम्मीद रोहन तुम भी जानते हो, हम डॉक्टर्स के लिए भी उम्मीद बहुत बड़ी चीज होती है। बड़ी से बड़ी बीमारी में मरीज सिर्फ हौसले और उम्मीद के बल पर मौत से लड़ जाता है। शिवांश का आत्मविश्वास डगमगा गया और उसे सही होने में अभी। अच्छा तो ये सब जो तुम कर रही हो, ये शिवांश का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कर रही हो? चलो तुम तो माहिर हो, फिर कोई बहाना निकाल लेना हमारे दामाद के कमरे में जाने का। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। बड़की ठकुरायन, ये डॉक्टर बनने वाली है, जो भी ये कर रही है शिबू के भले के लिए कर रही है। अगर शिबू को शराब की लत लग गई तो नायक की दुल्हन की गृहस्थी भी बर्बाद हो जाएगी। आगे तुम समझदार हो। अम्मा जी सही कह रही हैं। श्रवणी बेटा, एक बार पहले ही शराब के चक्कर में शिब्बू की किडनी का ऑपरेशन हो चुका है, किसी तरह से उसे शराब की लत लगने से बचा लो श्रवणी, उसे बचा लो। ये क्यों बचाएगी? हाँ ये क्यों बचाएगी, हम मर गए क्या? वैसे भी आज वैलेंटाइंस डे है, 14 फरवरी। आज हम शिवांश को लेके बाहर घूमने जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, उसका मन बहलाएंगे, एकदम ठीक कर देंगे हम शिवांश को, उसको भी अच्छा लगेगा। आज वैलेंटाइंस डे जो है। क्या वैलेंटाइन? ये क्या होता है?
अरे अम्मा जी, वैलेंटाइन नहीं, वैलेंटाइन, वैलेंटाइन डे। वही, जो भी है। ये सब अंग्रेजी त्योहार क्या करेंगे हम सिक्के? और तुम भी ये सब छोड़ दो, समझी? अरे आज बसंत पंचमी है, हमारे जमाने में तो हम बसंती रंग पहन के त्योहार मनाते थे। तुम्हारे दादा ससुर हमारे लिए बसंती रंग की धोती लाते थे हर साल नियम से, वही पहन के हम सरस्वती की पूजा करते थे। आज हम सब लोग वही मनाएंगे। लेकिन अम्मा जी, स्वीटी, बड़ों की बात मानते हैं, और बसंत पंचमी की पूजा तो सुबह होगी ना, तुम शाम को चली जाना दामाद जी के साथ घूमने के लिए, तुम्हारा भी मन रह जाएगा। क्यों अम्मा जी? जो करना है वो करो, मगर शाम को करो। अभी सुबह तो सरस्वती की पूजा ही होगी, ताकि देवी मैया की कृपा से घर में सब शुभ हो जाए। हाँ माँ, अब तो बस देवी माँ पे भरोसा है, शिवांश को हिम्मत अब वही देंगी। हम पूरी श्रद्धा से वसंत पंचमी की ये पूजा करेंगे, ताकि शिवांश जल्दी से ठीक हो जाए। हे देवी मैया, आपके हर रूप की जय हो। जय देवी मैया की। जय देवी मैया की। देखो, तुम दोनों बसंत पंचमी की तैयारी करो, और हो सके तो बसंती या पीले रंग के कपड़े पहनना। नई फसल से मीठे चावल बना के भोग भी लगाना है। नए की दुल्हन तुम और शिबू मिलकर ये पूजा करना, और दुल्हन तुम रोहन के साथ। चलो चलो, सब अब बसंत पंचमी की पूजा की तैयारी करो। चलो चल। आपने अच्छा किया जो हमें पहले बता दिया कि इनके पास एक ही किडनी है। क्या हुआ? अब खुद पर कोड़े बरसाकर तुम क्या साबित करना चाहते हो? क्या फिर से श्रवणी के जाल में फंसने का इरादा है तुम्हारा, जहां पे तुम्हारी कोई जगह ही नहीं है? नहीं शिवांश, तुमने वो चिट्ठी पढ़ी थी ना, तुमने देखा था कि श्रवणी ने शादी सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए की है रोहन से। हाँ। वो महज एक कागज का टुकड़ा है, उसमें कितना सच है कितना झूठ क्या पता। श्रवणी रोहन के पास जाना चाहती थी, चली गई। शिवांश, श्रवणी सिर्फ तुमसे प्यार करती है, और तुमने स्वीटी से शादी कर ली, तुमने उसे धोखा दिया है। हाँ, तुमने स्वीटी से शादी कर ली है, और अब जो हो रहा है ना, बिल्कुल ठीक हो रहा है। और अगर ये बात सच भी है तो अब कुछ बदल नहीं सकता। बदल सकता है? तुम एक बार जाके उससे माफी तो मांगो। हाँ, तुम कोशिश तो करो, उसने तुम्हारी जान बचाई है, उसने तुम्हारा बच्चा कराने की कोशिश भी की थी, क्या पता उसने ऐसा ना किया हो। अरे उसने कहा तो था, तुमने उसकी एक भी बात कहां सुनी? कोई बच्चा गिराने की कोशिश नहीं की हमने, कितनी बार समझाया आपको? तो ठीक है, जाओ मांगो माफी नागरा करते हुए, लेकिन एक बार फिर तैयार रहना धोखा खाने के लिए, क्योंकि तुम्हारा और श्रवणी का कोई मेल नहीं है, उसका मेल रोहन के साथ है। आंखें खोलो और देखो शिवांश, तुम्हारे साथ तो वो पढ़ भी नहीं सकती और ना कभी खुश रह सकती है, तो जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। नहीं शिवांश, तुम इसकी बात मत सुनो, ये तुम्हारा अहंकार है, और हम तुम्हारा दिल है, हम जानते हैं कि श्रवणी सिर्फ तुम्हारे साथ ही खुश रह सकती है,
दिल की बातों से सिर्फ जख्म मिलते हैं, धोखा मिलता है, अपमान मिलता है और अहंकार से कभी कोई फैसला नहीं किया जा सकता। शिवांश, हम जो कह रहे हैं तुम वो सुनो, हम जो बोल रहे हैं वही सही है। नहीं शिवांश, इसकी बात मत सुनना, हम जो कह रहे हैं वही सही है। शिवांश ये गलत बोल रहा है, तुम गलत बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। बात मत सुनो, बस बस चुप, बिल्कुल चुप, चुप। ये बच्चा आपका ही है शिवांश, बड़े जतन से पालेंगे इसे, इस बच्चे पर पूरा अधिकार होगा आपका। हमारा फोन कहाँ है? शिवांश भैया। हाँ भैया जी, कैसे हो? अरे तबीयत कैसी है आपकी? मजनू, हमारी बात सुनो, तुम ठेके पे जाओ और जल्दी से हमारे लिए शराब की बोतल लेकर आओ। अरे पगला गए हो क्या भैया, कैसी बातें कर रहे हो, अपनी हालत तो देखो। और वैसे भी आज तो वसंत पंचमी की पूजा है, आज के दिन तो कम से कम रहने दो भैया। अच्छा, इसका मतलब बाकियों की तरह हम तुमसे भी किसी बात की उम्मीद नहीं कर सकते? सही कह रहे हो मजनू, हम जो कह रहे हैं वो करो चुपचाप। भैया जी, श्रवणी भाभी ने मना किया था ना, और आप भूल गए क्या भाभी कल रात को आपको किस हालत में लेके आई थी घर? अपने आप को क्यों जख्म दे रहे, किस चीज के लिए, किस बात के लिए? हाँ हाँ, हम जानते हैं, जानते हैं हम अच्छी तरह मजनू, वो तो बहुत अच्छी है बेचारी, हमारे लिए तो वो जान भी दे सकती है, लेकिन हम इस लायक है नहीं, हम किसी लायक नहीं है। घर में आज पूजा है और तुम शराब पी के आ रहे हो? आप कीजिए इनकी पूजा, हम नहीं करेंगे। चुपचाप उस पे बैठ जाइए। तुम्हारा बच्चा मारने की कोशिश किसी और ने की थी, रोहन का नाम श्रवणी के साथ जानबूझकर जोड़ा गया। ताज्जुब है तुम इस बोझ के साथ जिंदा कैसे हो? आपकी अपनी श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।